हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल परफ्यूम ड्यूड पे। इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं परफ्यूम, अतर, डिओड्रेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जो खुशबू देती हैं। अगर आपको भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे जाके वीडियो भी देख लीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन एक ब्रांड है जो वाइल्ड स्टोन, जिसे इंडिया में हर घर पे, हर जगह पे जाना जाता है। उसका एक बहुत ही फेमस परफ्यूम है एक कॉमन डीएनए के साथ, जिसका नाम है वाइल्ड स्टोन एज। तो चलिए देखते हैं कैसा है परफ्यूम इस इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके पैकेजिंग। पैकेजिंग बड़ा ही सिंपल सा पैकेजिंग है। मैंने इसके और भी फ्लैंकर्स मेरे चैनल पर रिव्यू किए हैं, आपको अगर देखना है तो मैंने आई बटन पर लिंक छोड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। ये जो एज है, इसका एक कॉमन डीएनए है। उससे पहले आप इसका पैकेजिंग देख लीजिए। पैकेजिंग एक सिंपल कार्डबोर्ड सा बॉक्स है और यहाँ पे वाइल्ड स्टोन एज लिखा है, एक सिल्वर सा स्ट्रिप गया है, पीछे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। ये ईडीबी के कंसंट्रेशन में आता है और दे परफॉर्म। और इसका जो प्राइस है, ये मेरे पास है 50 ml वाला पैक जो 399 यहाँ पे मेंशन है, बट ऑब्वियसली ये थोड़े कम प्राइस में भी मिल जाता है, वो मैं आगे मेंशन कर दूंगा। अंदर बॉटल देख लेते हैं। बॉटल एक ब्लैक प्यारा सा कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलता है, एक अच्छा सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है उसके अंदर। और ये है बॉक्स उसका, देख लेते हैं इसका बॉटल। इसका बॉटल देखिए बहुत ही प्यारा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वाइल्ड स्टोन मेंशन है सिल्वर कलर में, और नीचे एक छोटा सा स्टिकर दिया हुआ है, एक ब्लैक कैप जो कि प्लास्टिक का है बट थोड़ा हैवी है, मतलब मिड वेट आप बोल सकते हैं। और एक ब्लैक सिंपल स्प्रेयर, उस पर कुछ भी मेंशन नहीं है। अब देख लेते हैं इसकी स्प्रेयर क्वालिटी कैसी है। आप देख सकते हैं एक अच्छा एटोमाइजर है, मुझे एटोमाइजर ठीक ठाक लगा। इस प्राइस रेंज में हम लोग इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। अब बात करते हैं इसके नोट्स की। नोट्स से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक एक्वेटिक, थोड़ा मैराइन एक्वेटिक वाला स्मेल देता है। ये एक कॉमन डीएनए है, डीएनए जो हम बोलते हैं इन्विक्टस से शुरू हुआ, फिर हवास, नाजदिया, ऐसे काफ़ी सारे फेमस परफ्यूम्स के डीएनए के साथ मैच करता है। बट ये 100% सिमिलर नहीं है, इसके अंदर थोड़ा अपना भी रंग है, अपना भी स्मेल है, इसके अंदर कुछ अलग ब्लेंड भी देखने को मिलता है। लेकिन ये बता दूं कि ये थोड़ा एक्वेटिक, मैराइन, फ्रेश, आप लोगों को एक ग्रीनी और हल्का मस्की सा वाइब देगा। जैसे ही हम इसको स्प्रे करते हैं, आपको इसके टॉप नोट में वो थोड़ा सिट्रस मिलेगा, लेमन लाइम जैसा सिट्रस। फिर आपको इसके अंदर पचोली मिलता है जो एक थोड़ा ग्रीनी वाइब देता है, जो एक ग्रीनी वाइब मुझे फील हुआ अभी स्प्रे करते ही, वो पचोली की वजह से है। फिर इसका जो टॉप नोट है वो जल्दी ही थोड़ा वैनिश हो जाता है। वैसे ये बजट परफ्यूम है तो इसके अंदर लैबडेनम का इस्तेमाल किया गया है इसको मस्की बनाने में। लैबडेनम जो है वो एक इजी आप बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट है जो कि एक बजट परफ्यूम को मस्की फील देता है, और ये मस्कीनेस इसके ड्राई डाउन तक रहता भी है। ये जो लैबडेनम इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर थोड़ा स्वीटनेस भी मिलता है आप लोगों को। स्वीटनेस ऐसे जैसे वो जो बबल गमी सा वाइब है जो इन्विक्टस फेमस है, जिसके लिए हवास, जिसके लिए जाना जाता है, वो एम्बरग्रीस वाला वाइब भी इसके अंदर मिल जाता है। ओवरऑल एक फ्रेश मज़ेदार खुशबू है। आपको ये डीएनए बहुत कॉमन लगेगा, लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो आपको वो जो सिंथेटिकनेस थोड़ा फील होता है, वो अल्कोहलिक वाइब जो अक्सर लो बजट परफ्यूम्स में आप लोगों को देखने मिलता है, वो थोड़ा मिलता है। लेकिन वो इतना भी आप लोगों को परेशान नहीं करेगा, थोड़े देर बाद वो अल्कोहलिक वाइब फेड हो जाता है। वाइल्ड स्टोन के बाकी परफ्यूम में से इसका जो टॉप नोट है, इसका जो ब्लेंड है, ये मुझे थोड़ा बेटर लगा, बेहतर लगा। मतलब एक डिजाइनर सा टेक है, आपको किसी भी एंगल से सस्ता या हल्का ब्लेंड महसूस नहीं होगा। आप अगर लगाते हैं तो आप खुद को एक अच्छे परफ्यूम या अच्छा स्मेल कैरी करते हुए पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इन्विक्टस हवास जैसा स्मेल करता है, जैसा स्मेल करता है सिमिलर डीएनए है, सिमिलर कैटेगरी है, लेकिन हवास थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है, बेहतर क्वालिटी है उसके अंदर, बबल गम में स्वीटनेस ज़्यादा है, इसके अंदर उतना आपको महसूस नहीं होगा। ये फ्रेश के तरफ ज़्यादा है, ये बहुत ही बेहतरीन परफ्यूम है। आपको अगर सस्ते बजट में आप ऐसे 50 ml अगर 300 के प्राइस रेंज में चाहते हैं, या फिर आप इसका 100 ml भी कंसिडर कर सकते हैं 500 के प्राइस रेंज के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छा डील होगा, एकदम से सस्ता डील होगा। आपको अगर चाहिए खरीदना तो आप इसे
किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्च करके पा सकते हैं। ऐसे कि आपके नियरर मार्केट सुपरमार्केट में भी ये चीज़ मिल जाता है इजीली। वाइल्डस्टोन जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, हर जगह अवेलेबल है। लेकिन इसके जितने फ्लैंकर्स हैं, मैं अगर सबको एक मार्क दूँ, एक पोजिशन दूँ, तो ये उसके टॉप स्मेलिंग परफ्यूम में से एक है। टॉप स्मेलिंग मेरे हिसाब से तो ये नंबर वन बोल सकते हैं आप इसके ब्लेंड को, इसके स्मेल को। अब इतना कॉमन होने के बावजूद ये जो है एक परफॉर्मेंस के मामले में उतना मुझे नहीं लगा कि हाँ एकदम जैसे कि इनविक्टस या फिर हवास जाने जाते हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, प्रोजेक्शन सियाज के लिए, उतना तो आपको नहीं मिलेगा। आप समझ भी सकते हैं कि उस प्राइस रेंज में, जबकि इसमें एम्बरग्रीस को रिप्लेस किया गया है लैबनियम के साथ, तो वो जो परफॉर्मेंस एम्बरग्रीस या एम्ब्रोक्सिन की वजह से उसके अंदर मिलता है तो वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप अगर एक अच्छा ब्लेंड, अच्छा स्मेल चाहते हैं तो ये परफ्यूम को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो परफ्यूम है आपको किसी भी एंगल से लो फील नहीं कराएगा, आपको हमेशा अपलिफ्ट रखेगा। आपको लगेगा या फिर आपके आसपास रहने वाले लोगों को लगेगा कि आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम कैरी किया हुआ है। अब इसके ऑनेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में ये बता दूं कि ये 1.5 घंटे तक एक प्रोजेक्शन देता है, उसके बाद थोड़ा धीमा पड़ जाता है, आधा फिट तक आप लोगों को फिर महसूस होगा। वैसे इसमें आप लोग जल्दी नोज ब्लाइंड हो जाएंगे। ये नोट, ये ब्लेंड ही ऐसा है, अक्सर इसके सारे, इसके जो टॉप क्लास परफॉर्म जो DNS हैं जिसके बारे में मैंने बताया, वो लोग भी आपको जल्दी ही नोज ब्लाइंड कर देते हैं। वैसे ये बहुत ही अच्छा समर सेंट है, समर में काम करता है, तेज़ गर्मी में आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इसको 4-5 घंटे तक अपने बॉडी में महसूस करेंगे, उसके बाद कपड़ों में अगर स्प्रे करते हैं 2-4 स्प्रे, तो आप इसे पूरा स्प्रे कर भी सकते हैं। वैसे ये इतना भी मतलब आपके पॉकेट को हर्ट नहीं करेगा कि आप इसे लगाए और ये ज़्यादा काम नहीं किया, वैसा नहीं है। 7-8 घंटे बाद अगर आप इसको रीअप्लाई कर देते हैं, 4-5 घंटे बाद अगर रीअप्लाई कर देते हैं, तो ये फिर से आपको रिफ्रेश कर देगा। ओवरऑली एक 2-3 घंटे का परफॉर्मेंस जो कि प्रोजेक्शन के तौर पर, और एक सिया जो 3-4 घंटे का एक हल्का ट्रेल छोड़ता है, और 5-6 घंटे तक का आपके बॉडी या आपके बॉडी ऑडर को दबाए रखता है। काफ़ी डिओड्रेंट्स मार्केट में हैं, उनके रिप्लेसमेंट में आप इसे भी लगा सकते हैं। सस्ते डिओड्रेंट्स की जगह ये थोड़ा महंगा स्मेलिंग परफ्यूम मैं कंसिडर करता हूँ लगाना। आप इसे बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके बॉडी ऑडर जो इतने गर्मी पसीने में बाहर आ जाता है, तो वो इसे, ये उसको रिप्लेस कर देगा। इसी तरह और भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स के रिव्यू आप सबके सामने लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।